कि बीजेपी को अगर 5 साल राज करना है तो वसुंधरा को सीएम बनाओ, अगर एडवांस 50 साल अपने को राज करना है तो बालकनाथ को लाओ। अब उसको लेके सस्पेंस चल रहा है। जब सरकार ईवीएम से बनाई जा रही हो तो देरी तो होनी होनी है ना। अगर ये पब्लिक के द्वारा बनी हुई सरकार होती तो कब तक का सीएम फेस क्लियर कर दिया होता पार्टियों ने। पब्लिक अपने मतदान का प्रयोग करती है, एक एक दिन की वैल्यू होती है। पब्लिक के प्रति सरकार की जिम्मेदारियां बनती हैं कि उसके एक एक क्षण को कीमती होता है, उसके विकास, उसके हित और देश हित में लगाया जाए। और ये सीएम फेस को लेकर अभी तक फैसला क्यों नहीं कर पा रही बीजेपी? सोमवार को कर रहे हैं मैडम, कौन सी देर हुई है? सोमवार को कर देंगे। बीत चुके हैं 2 दिन, अभी कह रहे हैं होगा नहीं होगा क्या पता। मैं एक हफ्ता हुआ, क्या हो गया? सिर्फ एक हफ्ता तो लग रहा है, क्या उनसे बात है? मोदी तो मुमकिन है ना, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? मोदी है तो मुमकिन, चलिए क्या क्या मुमकिन है? 5 दिन हो चुके, सीएम चेहरा क्यों नहीं मुमकिन हो पा रहा? अरे क्या नहीं हुआ, सब तो हो गया मैडम। महंगाई बढ़ गई, इन्होंने बोला महंगाई कम, महंगाई बढ़ गई, मोदी तो मुमकिन हो गया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की जो वीडियो है ना, अभी सिर्फ आपने कुछ भी नहीं देखा है, आगे जो आप देखने वाले हैं उसको देखकर आप भी हैरत में पड़ने वाले हैं। तो चलिए ना, टाइम ना वेस्ट करके सीधा मुद्दे पर ही आ जाते हैं और आज की पूरी वीडियो को सीधा लगाते हैं। रोजगार 2000 रोजगार कर देंगे, वो भी दे दिए, पब्लिक ऐसे घूम रही है, और क्या बताऊँ, और क्या क्या मुमकिन है? सब मोदी मुमकिन है। अच्छा अच्छा, क्या लग रहा है कि क्या अंदरूनी कोई कलह चल रहा है? इतनी अच्छी बातें आप कर रहे थे, आप कह रहे मोदी है तो मुमकिन है, और उधर कहा भी जा रहा है कि मोदी की गारंटी देश में चलने वाली 24 को लेकर भी कहा जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि कौन सी गारंटी काम कर रही है? कौन सी गारंटी काम नहीं करती मोदी जी की, मुझे बता दो तो। काला धन बोला, रिटर्न आ गया। नमामि गंगे प्रोजेक्ट बोला, हो गया। ठीक है, इनका सबसे महत्वाकांक्षी जो बुलेट ट्रेन, वो भी हो गई। इतनी यूनिवर्सिटी, इतने कॉलेज बन गए, हम गिनती नहीं कर सकते। 100 स्मार्ट सिटी बोला, वो तो दिखने में दिखनी थी, कहाँ गई? और क्या चाहिए मुझे बताओ आप? विकसित भारत की बुनियाद रख रहे हैं पीएम मोदी, 47 तक कह रहे हैं कि विकसित हो जाएगा भारत। हो तो रहा मैडम, क्या इतना विकसित हो गया हमारा भारत? पहले हम आपस में गले मिल लेते, आजकल हम गले नहीं मिलते, दूर दूर भागते हैं। ये विकसित है? अब जाके 3 तलाक की हालत देख लो, 3 तलाक की हालत देख लो, बोलते मैं 3 तलाक कराए, 3 तलाक की हालत देख लो जाके। आप लगातार जीतते जा रहे हैं, 3 राज्य देखिए बहुमत के साथ जीते हैं। बहुमत हमारे जैसे कुछ अंधभक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं मोदी जी के, तो हम मोदी जी को जिता देते हैं, हम क्या करें? जिता क्यों देते हैं? ऐसा कौन सा फैक्टर है जो बार बार बीजेपी जीत? अरे मैडम अंधभक्त हैं ना हम, इसके लिए हम देखते हैं मोदी जी, मोदी जी। कौन सा चश्मा है जो आप देखते हैं बीजेपी सरकार? किस चश्मे से आप देखते हैं बीजेपी सरकार से, क्योंकि आप अपने आप को अंधभक्त कह रहे हैं? मैंने मोदी जी का चश्मा पहना ना, इसके लिए मोदी जी तो सब कुछ, बहुत बड़े वाला, काले वाला मोदी जी। क्या ऊपर से नीचे तक सारे फैसले पीएम मोदी ही करेंगे? अब सीएम चेहरा कौन होगा, ये भी फैसला पीएम मोदी करेंगे? भेजे तो राजनाथ जी गए हमारे, करके आएंगे फैसला। मंथन क्यों चल रहा है मैडम? टाइम लगता है ना मैडम, क्या करें? वसुंधरा राजे मेरी नहीं है, इनकी है, तो मैं बाबा बालकनाथ को बनाऊंगा, फिर फर्क पड़ता है ना। मंथन इसलिए हो रहा है कि 5 साल राज नहीं करना बीजेपी को, 50 साल राज करना, इसके लिए उस हिसाब से सेहरा ढूंढना पड़ेगा। राजस्थान में अभी एक हेडलाइन चल रही है कि बीजेपी को अगर 5 साल राज करना है तो वसुंधरा को सीएम बनाओ, अगर एडवांस 50 साल अपने को राज करना है तो बालकनाथ को लाओ। अब इसको लेके सस्पेंस चल रहा है, लेकिन जनता के बीच हाजिर और जान रही हूँ कि 3 राज्य के सीएम फेज अभी तक देने में नाकाम क्यों रह रही है बीजेपी? देखिए इसका सीधा सा और सादा जवाब है कि जब सरकार ईवीएम के द्वारा बनाई जा रही हो, और जब सरकार ईवीएम से बनाई जा रही हो तो देरी तो होनी होनी है ना। अगर ये पब्लिक के द्वारा बनी हुई सरकार होती तो कब तक का सीएम फेस क्लियर कर दिया होता पार्टियों ने। अब इसमें गणित सेट हो रहे हैं, जैसे ईवीएम से वोट सेट हुआ, अब ऐसे सीएम को सेट करना पड़ रहा है। भाई किसको सेट करें? योगदान तो किसका है? योगदान तो ईवीएम का है। कोई नहीं कह सकता कि मेरा योगदान है, मेरे वजह से सीट आई है। अब योगदान ईवीएम ने दिया है, तो अब ईवीएम तो नहीं बता सकते किसको सीएम बनाना है। तो ये घमासान चल रहा है पार्टी के अंदर, ये घमासान चल रहा है कि वो सीएम बनाए तो बनाए, किसको बनाए और कैसे बनाए। बस डिले का जो रीजन है वो ईवीएम है। मैंने आपको सिंपल मिला है, पीएम मोदी का जादू चला है। ईवीएम का जनादेश है ये। ईवीएम के साथ जो इन छेड़छाड़ की जाती है, ईवीएम के साथ जो हैकिंग की जाती है, वो उसी का जनादेश है। अगर पब्लिक का जनादेश होता, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अगर ये पब्लिक का जनादेश होता तो अब तक का सीएम चेहरा आ चुका होता, और इतना डिले होने का कोई मतलब नहीं होता। पब्लिक अपना मतदान का प्रयोग करती है, पब्लिक अपने मतदान का प्रयोग करती है, एक एक दिन की वैल्यू होती है। पब्लिक के
प्रति सरकार की जिम्मेदारियां बनती हैं कि उसके एक एक क्षण को कीमती होता है, उसके विकास, उसके हित और देश हित में लगाया जाए। क्या लगता है कि बीजेपी के अंदर ही कोई बगावत चल रही है सीएम पद को लेकर, इसीलिए फैसले में देरी? अब सीधी सी बात है, ईवीएम ने डिसाइड किया है कि सरकार सीएम बनाना है, अब किसको बनाना है ये बीजेपी डिसाइड करेगी। अब बीजेपी भाई कलह का रीजन ही ईवीएम है कि जो जनादेश जो मिला है ईवीएम के माध्यम से गड़बड़ करके मिला है इनको जनादेश, और इसीलिए इनका जो कलह चल रहा है वो यही कलह है कि सीएम बनाए तो बनाए किसे, अगर हम इनको बनाते हैं तो वो कहेंगे कि भाई हमारा योगदान नहीं था, अगर हम उनको बनाते हैं तो वो कहेंगे भाई हमारा भी योगदान था, हमें क्यों नहीं बना रहे। सीएम चेहरा इनने फेस नहीं किया, सीएम चेहरा इनने पहले क्लियर नहीं किया, वो कोई उन्हें सरकारी ईवीएम से बनानी थी, उन्हें पता है, पब्लिक का इन्हें फिक्र नहीं, क्यों डिले क्यों कर रहे हैं, क्यों पब्लिक भाई, अगर इनको पब्लिक से दिक्कत होती, परेशानी होती कि पब्लिक नाराज हो जाएगी तो हमें आगे 2024 की विधानसभा में वोट नहीं मिलेंगे, पर इन्हें पता है कि पब्लिक का वोट जाएगा तो आएगा हमारे पास ही, जाएगा कहीं भी पर आएगा हमारे पास, इनको ये भरोसा है, इसलिए पब्लिक के जो लोकतंत्र है उसकी हत्या की जा चुकी है और अपनी मनमर्जी से सरकारें सरकारों को चलाने में, उनके संचालन में अपनी भूमिका निभा रही है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि देश के लोगों को, विपक्ष को, इंडिया गठबंधन को, अगर देश हित में कुछ करना है और बाकी देशभक्ति है अगर लोगों के अंदर, तो उन्हें सबसे पहला मुद्दा ईवीएम को भारत देश से भगा देना चाहिए, और यहाँ से ही नहीं, इसको पहले भी और भी देशों में बैन किया जा चुका है, वहाँ से भगाया जा चुका है। अच्छा। और इस ईवीएम रूपी सरकार को, इसका जो फैसला है सीधे तौर पर ईवीएम को आप दोष मान रहे हैं 100%, और हम ही नहीं, हर हमारे देश का जागरूक नागरिक है जो आज जो समझदार युवा है, जो समझदार नेता है, वो सभी ईवीएम को ही दोषी बताएंगे। आज आप तत्कालीन घटनाएं देख लीजिए जिस तरीके से आजाद समाज पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष पर गोलियां चलाई गई थी, एक पार्टी का किसी राष्ट्र अध्यक्ष को उसकी जान इतनी सस्ती हो जाना, और आप अभी देखते हैं कि करणी सेना के जो राष्ट्र अध्यक्ष जी थे गोगा जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश का आज जो स्थिति और परिस्थितियां हैं, ये लोकतंत्र है, ईवीएम को लेकर भी जनता सवाल उठा रही है, लेकिन मेरा सवाल भाई कि आखिर बीजेपी बहुमत पा लेती है उसके बाद भी सीएम फेस क्यों नहीं, आपसे भी जान लेते हैं सर, क्या लग रहा है कि माथा पीछे बोलने दो, आप जवाब देंगे, आप क्या कहेंगे सर, क्या कुछ चल रहा है अभी किस चीज में, राजनीति में तीन राज्य बीजेपी जीत जाती है उसके बाद भी सीएम क्यों नहीं दे पा रही, तो सीएम वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सीएम का फेस इन्होंने पहले रखा नहीं था, अब वसुंधरा राजे जी या शिवराज चौहान जी, इनका तो कोई फेस नहीं था ना, अब तो मोदी जी अपने फेस पे चुनाव जीते हैं, तो अपने चुनाव पे जीते हैं तो अपना आदमी चाहेंगे ना वहाँ पे चुनाव में, तो अपना सीएम बनाएंगे ना, अब उसमें उनको लेट। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आज की वीडियो आपको समझ में आई हो तो एक छोटा सा ज़रूर एक कमेंट कर दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो, फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए।